चीन को अगर दुनिया का सबसे खराब पड़ोसी कहा जाए तो वह किसी भी प्रकार से गलत नहीं होगा। चीन का उसके सभी पड़ोसियों के साथ बॉर्डर विवाद चल रहा है। भारत के साथ भी वह लद्दाख में विवाद भड़काने से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि जिस प्रकार भारत ने चीन की हेकड़ी निकाली है, उस प्रकार शायद ही किसी देश ने चीन को सबक सिखाया हो। भारत के साथ विवाद में चीन को अपने 40 से ज्यादा सैनिकों से हाथ धोना पड़ा है। भारत सरकार के मुताबिक चीन की आक्रामकता के कारण ऐसा हुआ। यही कारण है कि अब चीन के एक डिफेंस एक्सपर्ट और प्रोफेसर विक्टर गाओ को सामने आकर राष्ट्रपति शी से पीएम मोदी से फोन पर बात करने की गुहार लगानी पड़ी है। विक्टर गाओ ने देश की सेना की पोल खोलते हुए ये भी कहा है, अगर चीनी सेना को भारत की सेना से बात करने दिया गया तो मामला सुलझने की जगह और बिगड़ता ही चला जाएगा। विक्टर गाओ का यह बयान दर्शाता है कि खुद चीनी लोगों को अपनी सेना की सक्षमता पर विश्वास नहीं है। विक्टर गाओ ने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया, राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही फोन पर बात कर भारत चीन का विवाद सुलझा सकते हैं। दोनों नेता अपने अपने देशों के बारे में अच्छा सोचते हैं और वे दोनों अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लेंगे। युद्ध ना तो चीन बर्दाश्त कर सकता है और ना ही भारत। ऐसे में भलाई राजनीतिक बातचीत में ही होगी। सैन्य स्तर पर बातचीत से मामला और ज्यादा बिगड़ेगा। एक चीनी विशेषज्ञ द्वारा बॉर्डर विवाद पर शी जिनपिंग के शामिल होने का सुझाव देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बॉर्डर विवाद के मुद्दों से सिर्फ और सिर्फ चीनी सेना और कम्युनिस्ट पार्टी ही निपटती है। किसी भी बॉर्डर विवाद में चीनी राष्ट्रपति सीधे तौर पर शामिल नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब बॉर्डर मुद्दे पर चीन और वियतनाम के रिश्तों में तनाव होता है तो उस वक्त वियतनाम और चीन के राष्ट्रपति आपस में विवाद सुलझाने के लिए फोन पर बात तो बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि सैन्य स्तर पर ही विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाती है। ये चीन के पक्ष में जाता है क्योंकि दक्षिण चीन सागर या मध्य एशिया के देशों की तुलना में चीन के पास बहुत बड़ी सेना है। हालांकि जब भारत की बात आती है तो ये समीकरण चीन के पक्ष में नहीं बैठते। भारत ने अपने सैन्य बल को बली बांती दर्शाया है और चीन को भी इस बात का अंदाजा लग चुका है। लेकिन चीन के लिए समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है। भारत के लोग जिस प्रकार चीन का बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं, उससे चीन को बड़ा आर्थिक झटका लगना तय है। वहीं भारत में पीएम मोदी चीन से बड़ा बदला लेने की बात कह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी वे किसी देश के खिलाफ बदला लेने की बात कहते हैं तो वे उसे पूरा करके ही दिखाते हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ये पहले ही दिखा चुका है। ऐसे में चीन को लग रहा है कि अगर जल्दी ही भारत के साथ ये विवाद नहीं सुलझाया गया तो भविष्य में ये चीन के गले की हड्डी बन सकता है। भारत ना तो पीछे हट रहा है और चीन की सेना भी झूठे दावे करने से पीछे नहीं हट रही है। ऐसे में विवाद का बढ़ना तो तय है, जो चीन के हित में बिल्कुल नहीं है। चीन का भारत के साथ बड़ा ट्रेड सरप्लस है और ऐसे में चीन भारत जैसे बड़े आर्थिक साझेदार से पंगा लेकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। चीन को अपने एक्सपर्ट्स की बात सुनकर जल्द से जल्द बॉर्डर पर विवाद को ठंडा कर देना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।